गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स वर्कशीट 28 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ए इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें ब्लैंक प्लेसेस को फिल करना है, हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एंड इन ब्लैंक प्लेसेस को फिल करना है। फर्स्ट हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज देयर आर 2 टाइम्स 2 डॉल्स, 1 एंड 2 1 एंड 2। यहाँ पर 2 टाइम्स 2 डॉल्स हैं, 1 टाइम एंड 2 टाइम्स। हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प लेंगे और 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 2 1 2 2 2 4। ओके, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4 होता है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पर 4 टाइम्स 4 कैरोट्स हैं, 1 2 3 4, 1 टाइम 1 2 3 4, 2 टाइम्स 1 2 3 4, 3 टाइम्स 1 2 3 4 एंड 4 टाइम्स भी 4 कैरोट्स हैं। तो हमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प लेंगे और 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। और यहाँ पर हम लिखेंगे 16। इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर हमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज देयर आर 3 टाइम्स 3 बलून्स, 1 2 3, 1 टाइम 1 2 3, 2 टाइम्स 1 2 3 एंड 3 टाइम्स भी 3 बलून्स हैं। ओके, हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो इसी तरह आप आगे के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड ब्लैंक प्लेसेस को फिल करेंगे और इसी तरह क्वेश्चन सब अपनी मैथ्स वर्क में भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।